Happy anniversary to you. Thank you so much. Thank you. Priyanka, सबसे पहले तो रोहित से जब मैंने सवाल पूछा कि किसने सबसे ज्यादा चुका है, तो उन्होंने आपका नाम लिया। जाने से पहले सबसे ज्यादा डरी हुई मुझे लगता है आपको? असल में बहुत ज्यादा डरी हुई थी जाने से पहले, पर मैं किसी जानवर से नहीं डरी हुई थी। हाइट से, पानी से, बहुत सारी फोबियाज नहीं डर गई थी, बल्कि अनफिट छोटे थे। और हम जिस तरह की फिटनेस के आजकल देखते हैं ना सोशल मीडिया पे गोल्स, इनफैक्ट दैट्स अ गुड मैसेज फॉर एवरी वन। हम लोग सोशल मीडिया में हम जज करते हैं, फिटनेस का लेवल तो ये होना चाहिए जो कि इन्फ्लुएंसर्स दिखाते हैं। फिर हम अपने आप को इससे मेजर करते हैं, शायद वी आर नॉट अप टू द मार्क। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि किसी एक्टर के साथ भी ऐसा होना हो सकता है, तो मेरे साथ ये था। विवेक ने जब मुझे सुना कि मुझे ऑफर मिला है, उन्हें मालूम था कि मुझे काफी शौक है इन चीजों का, और वो मुझे खुश देखते हैं जब भी मैं कोई एडवेंचर रिलेटेड एक्टिविटी करती हूँ, तो ही मोटिवेट। और वो जो मेरे अंदर का डर था कहीं ना कहीं उन्होंने निकलवाया, थोड़ा सा मुझे फिटनेस की तरफ उन्होंने पुश किया और समझाया कि कैसे करूँ अपने आप को फिट रहे। एंड डर करने तक था, बट जैसे जैसे मैं एक एक स्टंट करती थी लोगों को, क्या मैंने अपने आप को चमकाया? मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मैंने कर लिया, हो गया, वाज गुड। तो दिव्यांका जी, अब आप मानती हैं कि आपकी एंट्री हो चुकी है खतरों के खिलाड़ी में, तो शो की टीआरपी हाई होने वाली है? मेरी एंट्री हो चुकी है खतरों के खिलाड़ी में, तो मुझे लगता है कि शो के खिलाड़ी वैसे इतनी हाई है, मुझे लगता है कि मुझे लोग एक अलग रूप में लेने वाले हैं। दोस्तों, नई नई वीडियोस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना।